भोजपुरी में ज़्यादातर एक्ट्रेस दोस्त नहीं होती हैं, लेकिन आम्रपाली और अक्षरा इसकी अपवाद हैं। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ एक दूसरे को बहनों जैसा प्यार करती हैं। जी हाँ, आम्रपाली अक्षरा को अपनी छोटी बहन मानती हैं, तो वहीं अक्षरा आम्रपाली को अपनी बड़ी बहन की नज़र से देखती हैं। लेकिन बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि इन दोनों के बीच में आ गई है दरार, इनकी दोस्ती अब टूट गई है। ये जो भोजपुरी जगत की बेस्ट बेस्टीज थी, अब बन गई हैं बेस्ट एनिमी। लेकिन कितनी सच्चाई थी इनमें, आइए हम आपको आज कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनने के बाद आपको ये लगेगा ये बेस्टीज तो आज भी हैं, लेकिन इनके रिश्तों में हल्की फुल्की सी कड़वाहट आ चुकी है। अक्षरा जब आम्रपाली का नाम लेती हैं या आम्रपाली के बारे में कुछ बोलती हैं तो वो इमोशनल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई इमोशनल होने वाले लोग वही होते हैं जहाँ दिल का रिश्ता जुड़ा होता है। आप निक नेम के लिए काफी पॉपुलर हैं, आपका भी निक नेम मिल्की है जो मैं जानता हूँ, और आप आम्रपाल जी को अम्मू नाम से पुकारती हैं, ऐसे ही आप काफी लोगों का निक नेम रखती हैं, रखते भी अच्छा है। कुछ बातें पलते कुछ बात कुछ बातें पलते हुए हैं, आप बोल सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं, ठीक है। और सबसे ये है मेरा बेटा, बहुत अच्छा है डुगू, हाय डुगू। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अक्षरा जी, अगला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हैं? प्याल तो बता दिए आप, नफरत नफरत हाँ, नफरत किसी चीज से नहीं करती हूँ मैं, किसी से नहीं करती, नहीं किसी चीज से नहीं, अपनी बेवकूफी से। बेवकूफी से सुधारिए उसको। अक्षरा जी वन एक डायलॉग में अपने आप को डिफाइन कीजिए, एक संवाद में आप अपने बारे में कुछ बोलिए। अक्षरा को किसी को जानना हो, जो लोग अक्षरा का ये इमोशन कोई फेक नहीं था। अक्षरा जब प्रोड्यूसर निशांत के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आई उनके शो पर, तो निशांत ने जब आम्रपाली के बारे में पूछा तो आम्रपाली के बारे में बात करते करते अक्षरा इमोशनल हो गई। अक्षरा ने ये कहा, मैं आम्रपाली को अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, वो भी मुझे छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हैं, और हमारे बीच इतना बोलने के बाद अक्षरा काफ़ी भावुक होती नज़र आईं। लेकिन एक वो दौर था जब अक्षरा सिंह मुसीबत में थी, पवन सिंह के साथ उनका विवाद हुआ था और उन्हें काफ़ी हैरेसमेंट किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त आम्रपाली ने खुले तौर पर अक्षरा सिंह का समर्थन नहीं किया। अक्षरा का समर्थन, या यूं कह लें कि अपनी बातों से सिर्फ समर्थन करती नज़र आई थी आम्रपाली दुबे। वैसे आम्रपाली दुबे ने वहाँ ये भी कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है मुझे कि इस विवाद में बोलने की, क्योंकि अक्षरा और मेरा संबंध ही ऐसा है जहां हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन जब आप किसी विपरीत स्थिति में होते हो तो यही संबंध और यही बातें आपकी ढाल बनती हैं। ये बात आम्रपाली बखूबी जानती हैं और ये बात अक्षरा भी जानती हैं। जब निशांत ने आम्रपाली के बारे में क्वेश्चन किया, अक्षरा सिंह का इमोशन छलका, लेकिन निशांत ने जब पवन, खेसारी और इंडस्ट्री के और लोगों के बारे में, निरहुआ के बारे में क्वेश्चन किया, बड़े दहाड़ते हुए हर क्वेश्चन का आंसर बड़ी बेबाकी से अक्षरा सिंह ने दिया, इसमें उनकी हिम्मत नज़र आ रही थी। लेकिन जब बात बड़ी बहन की आ जाती है तो इमोशंस तो आना लाजमी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।